प्रेशर कुकर में चुड़ियों को पकाने से ख़ातन के बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग सबसे पहले ऐसे जो जिप लॉक बैग्स होते हैं ये हमारे घर में अक्सर आए हुए होते हैं हम यूज़ करते हैं यूज़ करने के बाद इनको ज़ाया कर देते हैं लेकिन आज मैं आपको इनकी बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताऊंगी आप इनको फेंकिए नहीं ज़ाया नहीं कीजिए बल्कि इनको यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कीजिए या आमतौर पर जब हम मेडिसिन एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं ख़ास तौर तो पर शुगर की इंसुलिन तो हमें ठंडक की ज़रूरत होती है यानी हम उसके साथ बर्फ़ रख रहे होते हैं तो बर्फ़ के लिए हम शॉपर वग़ैरह यूज़ करते हैं या कोई बोतल लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है तो आप जो आपके घर में ऐसे पाउचेस आ रहे होते हैं आप इनको संभाल कर रखिए इनमें बर्फ़ जमाइए यानी इसमें पानी डाल के इसको फ्रीज़र में रख दीजिए इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ बनेगी और ये बहुत जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी क्योंकि ये एयर टाइट है आपको मैं एंड में दिखाऊंगी इसके हमने किस तरह से इसकी बर्फ़ बनाई है तो आप भी इस तरह से इसको यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो दूसरा आप इसको अपने एयर कूलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है उसमें बर्फ़ डाल रहे होते हैं बर्फ़ की जगह पर इस तरह के जो पाउचेस होते हैं इनको इस्तेमाल कीजिए और आप बहुत बड़े मसले से हल हो जाए मसला हल हो जाएगा सेकेंड जो है जो बच्चों की ऐसी छोटी छोटी पिनस होती हैं या एयरिंग्स वगैरह होते हैं वो इधर उधर फिर रहे होते हैं जब हमें चाहिए होते हैं तो हमें मिल नहीं रहे होते हैं हम इधर उधर रख के भूल जाते हैं तो आप इस तरह के पाउचेस ले लीजिए इनके अंदर इनको संभाल कर रख लीजिए और आपका बहुत बड़ा मसला परेशानी ये भी हल हो जाएगी आई होप ये छोटी सी टिप्स हैं लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी आप इन पाउचेस को अब यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल कीजिए इन्हें ज़ाया ना कीजिए और इनके जो ये लॉक होता है ये भी काफ़ी मज़बूत होता है ये इतनी आराम से जो है वो नहीं खुलता आप इस परेशानी से बची रहेंगी एक दफ़ा इस टिप को लाजमन फॉलो करना है और देखना है कि आपको इनके कितने फ़ायदे हुए हैं मेरे पास तो ये छोटे बैग्स थे आपके पास अगर बड़े हैं तो आप बड़ों को भी इसी तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं इनके आप आ, इनमें आप जो है वो अपनी जो सिलाई वाली रील होती है वो रख सकती हैं धागा जो होता है पिन्स वगैरह रख सकती है देखिए इसकी बर्फ़ जम चुकी है और कितना हार्ड है ऊपर से बिल्कुल सील हो चुका है जब इसकी बर्फ पिघलेगी तो इसकी ये खुलेगा अदरवाइज ये खुलेगा भी नहीं आई होप ये छोटी सिटी है लेकिन आपके लिए काफी यूजफुल होगी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिएगा थैंक यू अच्छा जी ये आप जो है एयर कूलर में इस्तेमाल करें चाहे अपने मेडिसिन के लिए इस्तेमाल करें जहाँ दिल चाहे आप इस्तेमाल करें बेफिक्र होकर नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी पाउडर को लेकर है होता क्या है कि हम पाउडर गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं गर्मी दानों के लिए तो हम पंखे के आगे एयर कूलर के आगे बैठ कर इसको इस्तेमाल करें तो सारा उड़ जाता है उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता है आप ऐसा करें थोड़ा सा पानी कटोरी में ले लीजिए और जितना पाउडर आपको ज़रूरत हो आपने उतना पाउडर इसके अंदर डालकर इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसको अब एयर कूलर के आगे बैठ के लगाइए पंखे के आगे बैठ के लगाइए यह कभी भी नहीं उड़ेगा आपकी स्किन पर स्टक हो जाएगा आपने इस टिप को भी फॉलो करना है अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाजमन कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी ये वाली टिप बहुत यूज़फुल है बहुत आसान है और बहुत जो है वो फ़ायदेमंद भी है हमारे लिए क्योंकि गर्मियों में हम बच्चों के लिए भी पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो फ़ौर से उड़ जाता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ये बहुत महंगे पाउडर आ रहे होते हैं और बहुत जल्दी हमारे ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि बार बार रुड़ रहे होते हैं हम बार बार जो है वो इसको लगा रहे होते हैं इस तरह से आप बना के एक दफ़ा लगा लेंगी तो आपको जो है काफ़ी लंबे अरसे तक आपको ठंडक फील होती रहेगी और आप इसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे आपके बहुत सारे पैसे जो है ज़ाया होने से बच जाएंगे आई होप ये टिप छोटी सी है लेकिन आपको यह भी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी फ़ायदा मंद साबित होगी बाज़ बच्चे होते हैं जो कि पाउडर को जो है वो नहीं लगवाते हैं या बाज़ बच्चे होते हैं वो खुद ही हाथ मार मार के उसको ज़ाया कर देते हैं तो आ उन दोनों इन दोनों सूरतों में भी ये टिप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है आप पानी में इसको मिक्स कीजिए और बच्चों के जैसे मर्जी लगाइए चाहे अपने लगाइए नेक्स्ट टिप जो है वो मेरी इस तरह की ग्लिटरी चूड़ियों को लेकर है ये ग्लिटर वाली चूड़ियाँ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा ग्लिटर जो है वो छोड़ रही होती हैं हम किसी फंक्शन में जाएँ हमारे मुँह पर लग जाता है हमारे कपड़ों पर लग जाता है अगर लाइट कलर के कपड़े हो तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं चूड़ियाँ चाहे बच्चों की हों चाहे बड़ों की हों सबसे ग्लिटर उतरता है मेरे पास फ़िलहाल बच्चों की चूड़ियाँ थी तो मैं उसी के लिए आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप आज की टिप को जब फॉलो करेंगी तो आपकी चूड़ियों से कभी भी ग्लिटर नहीं उतरेगा आपने इसको लाजमन फॉलो करना है और मुझे अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपको ये टिप कैसी लगी आपने करना क्या है एक प्रेशर कुकर लेना है उसके अंदर गर्म पानी कर लेना है गर्म पानी करने के बाद उसमें आपकी जितनी भी ग्लीटर वाली चूड़ियाँ हैं सारी उसके अंदर डाल देनी है और इसको ऊपर से लिड दे देना है तकरीबन पाँच मिनट के लिए पाँच मिनट बाद जब आप इसका लिड खोलेंगी तो आप हैरान रह जाएंगी आपकी चूड़ियों से कभी भी ग्लिटर नहीं उतरेगा ना आपके कपड़ों पे लगेगा ना आपके मुंह पे लगेगा ना आपके बाजुओं पे लगेगा और ना ही आपको शर्मिंदगी होगी आई होप ये छोटी सी टिप है लेकिन आपको अच्छी लगी होगी अगर अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाजमन मुझे बताना है और इसको ट्राई करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपके लिए स्ट्रीट ने कितना वर्क किया ये देखिए पाँच मिनट हो चुके हैं और अब इन चूड़ियों से कोई ग्लीटर नहीं उतरेगा क्योंकि ये जो है वो इस पर स्टक हो चुका है पक्का हो चुका है अब हम बेफिक्र होकर इन चूड़ियों को जैसे मर्जी इस्तेमाल करें देखने में ग्लिटर वाली चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन जब ये ग्लिटर छोड़ती हैं यानी हमारे बाजुओं पे लगता है हमारे फेस पे लगता है हमारे कपड़ों पे लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन अब आपको गु़स्सा होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला जो है वो आज मैंने हल कर दिया है आप इस टिप को अप्लाई करें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए ठेके अरबा बाय थैंक यू